नमस्कार, आपका स्वागत है। सामुद्रिक शास्त्र में हथेली पर बने विविध चिन्हों के आधार पर व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानने की विधि बताई गई है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के हथेली पर बनी अलग अलग प्रकार की रेखाएं उसके जीवन के विविध क्षेत्रों के विषय में जानकारी देती है। हथेली पर भाग्य रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा आदि प्रकार की रेखाएं बनी हुई होती है। इन मुख्य रेखाओं के साथ अन्य कई छोटी छोटी रेखाएं भी होती है, जिनसे विविध प्रकार के चिन्ह तथा निशान बनते हैं। ये निशान भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम जानने वाले हैं हथेली पर बने ऐसे ही प्रमुख निशानों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेली की लघु रेखाओं से अर्धचंद्र, त्रिशूल, क्रॉस आदि प्रकार के निशान बनते हैं, जिनका अलग अलग मतलब होता है। यदि हथेली पर क्रॉस का निशान बनता है तो उस व्यक्ति को सामुद्रिक शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान और समझदार माना गया है। क्रॉस का यह निशान इतिहास की कई महान हस्तियों के हथेलियों पर भी पाया गया था, जिन्होंने पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त की थी। मिस्र के विद्वानों का कहना है कि सिकंदर महान के हाथों में इस तरह के चिन्ह देखे गए थे। आज के वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि दुनिया भर में केवल 3% लोगों के हाथों में ये चिन्ह पाया जाता है। तो आइए जानते हैं हथेली पर क्रॉस का चिन्ह होने का क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात, ये लीडर होते हैं। जिन व्यक्तियों के दोनों हाथों में क्रॉस का निशान होता है, वे बड़े काम करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। ये उन लोगों में से होते हैं जिन्हें मरने के बाद भी याद किया जाता है। जिन व्यक्तियों के केवल एक हाथ में ये चिन्ह होता है, वे प्रतिष्ठा पाने वाले और सफलता उनके कदम चूमती है। दूसरी बात, ये अपने पीछे विरासत छोड़ जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के दोनों हाथों में क्रॉस का निशान होता है, वे अपने मरने के बाद अपने पीछे विरासत छोड़ जाते हैं। इनकी आने वाली पीढ़ियां इन्हीं के नाम से जानी जाती है। तीसरी बात, इनके अंदर छठी इंद्रिय होती है। जिन लोगों के हाथ में क्रॉस का निशान होता है, उनके अंदर छठी इंद्रिय होती है, और इसी कारण से ये लोग खतरे, बेवफाई और देशद्रोह जैसी आशंकाओं को वक्त से पहले ही जान लेते हैं। चौथी बात, सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। जिनकी हथेली पर क्रॉस का निशान बनता है, यह लोग तेज और सहज होते हैं। ये बहुत ज्ञानी होते हैं और आसानी से अपने आसपास के माहौल को अपना लेते हैं। ये अपनी आसपास की जगहों में कोई उपद्रव नहीं फैलाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपकी भी हथेली पर क्रॉस का ऐसा निशान बनता है? आप कमेंट करके अपने बारे में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।